तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स इंग्लिश एक्स एंड वाई ग्रुप प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हमने करवा दिए दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आज का प्रैक्टिस सेट। और मेरे से पहले आप सब लोगों को आंसर करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए। चूज़ द करेक्ट वर्ड, चार सेंटेंस है आपके यहाँ पर, जो सही वर्ड है आपको वो टिक करना है। बेनिफिटेड है, ऐसा रही है, ठीक है। इसमें अलग अलग स्पेलिंग है, कौन सी राइट है वो आपको बतानी है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों अपना आंसर, इसमें आपका क्या आंसर होगा। तो देखिए राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बेनिफिटेड ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो फटाफट इसमें अपना आंसर दीजिए। आर्टिकल बताना है हमें, कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा, अ द या ए एन एन, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जनरली जो है स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन है, और याद रखना प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, पर यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें बोला है सेंटेंस में कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि कहने का मतलब है कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी कि स्विट्जरलैंड यहाँ पर क्या किस तरह से यूज़ किया गया है, या कॉमन वर्ड की तरह से यूज़ किया गया है, तभी यहाँ पर कश्मीर को क्या बोला है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि एक कॉमन वर्ड की तरह यहाँ यूज़ किया गया है, यानी कि कश्मीर जो है कोई हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन बना दिया गया है, और स्विट्जरलैंड को एक कॉमन नाउन बना दिया गया है, जो कि कश्मीर को स्विट्जरलैंड की उपाधि दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो राइट ऑप्शन होगा, तो यानी कि आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर इतना पता है हम लोगों को अब, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इस केस को याद रखना दोस्तों, क्वालिफायर कंडीशन होती है, जिसमें हम क्या है किसी चीज़ को क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, राकेश इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्लास, ठीक है, राकेश इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्लास। तो राकेश को क्लास में क्या कहा जा रहा है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर यानी कि कैसे यूज़ हो रहा है क्लास में, एक कॉमन वर्ड, ठीक है, जो कि राकेश को उसकी उपाधि दी जा रही है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, किसी चीज़ को किसी की उपाधि दी जाएगी, यानी कि प्रॉपर कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ए ऑप्शन आएगा, द, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ऑडियस का हमें एंटोनियम बताना है। सबसे पहले ऑडियस का मतलब मैं आपको बता दूँ, तब तक आप मुझे ऑप्शन के आंसर दीजिए। घिनौना होता है, ठीक है, घिनौना, डिस्गस्टिंग या हेटफुल, ठीक है। अब देखिए चार ऑप्शन है, फैमिलियर है, प्लेजेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, या केकोफोनी है। तो फटाफट मुझे इसमें आंसर बताइए अपना। देखो तब तक मैं इसके मतलब बताता हूँ आपको इनके भी। फैमिलियर होता है परिचित, जो घरेलू हो, ठीक है। प्लेजेंट हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं नाइस, स्वीट, या ग्रेटफुल हो, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट जो होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं तुच्छ कह सकते हैं हम, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे सेंसलेस कह सकते हैं, नॉनसेंस। तो इस तरह से इनसिग्निफिकेंट का ये सिनोनियम है सारे, ठीक है। कैकोफोनी की बात करें तो कैकोफोनी यानी कि हम कह सकते हैं शोर या बेसुरापन, ठीक है। तो हमें एंटोनियम बताना है ऑडियस का। ऑडियस हमारा क्या था दोस्तों, घिनौना था, डिसगस्टिंग, ठीक है, या हेटफुल। तो उसका एंटोनियम यानी कि कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, प्लेजेंट। प्लेजेंट यानी कि स्वीट हो गया, ग्रेटफुल हो गया, अच्छा, नाइस हो गया, ठीक है। और ऑडियंस क्या था हमारा, घिनौना, डिसगस्टिंग, हेटफुल, उसके अपोजिट बिल्कुल यही वर्ड फिट बैठ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, सबने सही आंसर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड देन द स्टेट्स आर डैश ऑफ पावर टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर देयर स्कीम्स, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस बतानी है इसमें। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है, इन्होंने करेक्ट चॉइस हमें दे रखी है, अवॉर्डेड, इन्वेस्टेड, रिलीव्ड है, या डाइवेस्टेड है। फटाफट अपना आंसर करिए। इसमें क्वेश्चन में बोला है इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज वैलिड, यानी कि अगर मान लो ये व्याख्या अगर सही है, तो जो स्टेट्स है वो डैश हो गए पावर टू प्लान के, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर देयर सीन्स के, ठीक है। तो हमें ये बताना है कौन सा वर्ड इसमें सही बैठेगा, जो इस पूरे सेंटेंस को सही करेगा, ठीक है। तो फटाफट इसमें अपना आंसर दीजिए। देखो यहाँ पर कुछ टर्म है जो हमें यहाँ आ नहीं सकती,
इफ दिस इंटरप्रेट, अगर ये व्याख्या सही है, जो स्टेट्स हो गए इन्वेस्टेड हो गए, इन्वेस्ट यानी कि करना होता है इन्वेस्ट किसी चीज़ में, तो इन्वेस्ट जो इन्वेस्ट करेंगे किसी प्लान इंप्लीमेंट या मॉनिटर सीम्स में नहीं, ठीक है। रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ को मुक्त करना, ठीक है। और अब बचा अवॉर्डेड, अवॉर्डेड होता है हमारा एक तरह से, मतलब एक तरह से उपहार स्वरूप या मतलब प्राइज कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो मेनली यहाँ पर इसके बिल्कुल एकदम सेंटेंस के अनुरूप बैठता है, ठीक है। तो डाइवेस्टेड जैसे इसका मतलब होता है, डाइवेस्टेड का दोस्तों मतलब कोई चीज़ हमें ऐसी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं हमारा जो फाइनेंशियल और सोशल गोल्स है उसे डन, मतलब पूरा करना उसे, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से डाइवेस्टेड होता है, ये हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ सेलिंग एन एसेट, यानी कि किसी ना किसी चीज़ से हमें मतलब प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक तरह से डाइवेस्टेड है, या कुछ सीम्स लानी, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क से यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब शी डैश इन कैलकाता फॉर 3 ईयर्स बिफोर द ईयर 92, यानी कि कहने का वो है, वह मतलब ये बोल रहा है कि वो 1992 से पहले, ठीक है, वह 1992 से पहले 3 साल तक कलकत्ता में रहती थी, यानी कि तो हमें राइट सेंटेंस बताने इसमें कौन सा टेंस सही हुआ। तो फटाफट मुझे आंसर दीजिए दोस्तों, वॉज लिविंग आएगा, हैज़ बिन लिविंग आएगा, या वुड हैव बिन लिविंग, या हैड बिन आएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन है आपको बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, या हम कह सकते हैं एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं ये कॉमन है, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखना ये वर्ड होते हैं जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करे जाते हैं, एक बार नोट कर लेना इसे, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, एटसेट्रा, ठीक है। ये वर्ड जो है हमारे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह हमें बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, 1992 से पहले 3 साल तक वो कलकत्ता में रही, यानी कि उस समय रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट टेंस आएगा, इतना हमें पता है, वॉज लिविंग तो नहीं आएगा, हैज़ बिन लिविंग की बात करें ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारा एक तरह से वैसी कंडीशन होगी प्रेजेंट की, ठीक है। और फिर इसके बाद हो जाता है हमारा वुड हैव बिन लिविंग, वुड हैव बिन लिविंग ये भी नहीं आएगा, ठीक है, प्रेजेंट वाली कंडीशन है। बचा डी ऑप्शन, पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हैड बिन जो है हमारा पास्ट, हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, हैड बिन इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर्स बिफोर द एंड 1902। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन आई एम डिसप्लीज डैट यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज डैट डैश यू योर फन, ठीक है। तो ये कह रहा है, मैं तुमसे नाखुश हूँ पर तुम्हारे जो हंसी मजाक है उससे नाखुश नहीं हूँ, यानी कि उससे खुश हूँ मैं, ठीक है। तो हमें राइट ऑप्शन बताना है, करेक्ट प्रीपोजिशन आए कौन सा आएगा, एट, विद, विद एट, या सी ए, विद ऑन, या विद टू। तो फटाफट अपना आंसर दीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों सबको समझ आ रहा होगा। चलते हैं, देखिए मैं आंसर बता दूँ आपको, इसमें आएगा आई एम डिसप्लीज विद यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज एट योर फन, यानी कि यहाँ पर यू किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है तो इसके साथ लगेगा विद, ठीक है, पर वहाँ उसकी किसी खूबी को बता रहा है, पर आई एम नॉट डिसप्लीज एट योर फन, ठीक है, मैं तुमसे नाखुश हूँ पर जो तुम्हारी मस्ती है, ठीक है, उस पर मैं क्या हूँ, खुश हूँ एक तरह से। तो सिक्स का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पूरा एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये, 20 क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेम उतने ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर है वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि कहने का मतलब है जो पैसों के खातिर लड़ता हो, ठीक है। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा, ये है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसमें एमेच्योर, मर्सेनरी, पेट्रियॉट, या वॉरियर, क्या था क्वेश्चन, कि जो पैसों की खातिर लड़ता हो, ठीक है। वॉरियर क्या होता है, योद्धा होते हैं, ठीक है, ये तो या तो होते भाई देश के लिए लड़ते हैं या अपने किसी उसके लिए लड़ते हैं, ठीक है, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, पैसों की खातिर लड़ना है इनकी, पहले पैसे ले फिर लड़ते हैं जो। पैट्रियट तो पूरा देशभक्ति हो गया, ठीक है, देशभक्तों का भी पैसों के लिए काम करता ही नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया नहीं सी डी। और एमेच्योर क्या होता है, एमेच्योर जो होता है शौकीन व्यक्ति होता है, मतलब यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ये डिनोट करेगा कि मतलब जो लड़ने का शौकीन हो, ठीक है, पर जो लड़ने का शौकीन है वो पैसों के लिए नहीं लड़ता।
अब बचा बी ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। मर्सेनरी का मतलब होता है जो जो व्यक्ति पैसों की खातिर लड़ता हो, यानी कि पैसों की खातिर लड़ता हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, मर्सेनरी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए वन वर्ड है इसमें भी, द मर्डर ऑफ अ किंग, होमिसाइड, एकम्प्लिस, या हमारा बच्चर, या रेजिसाइड, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो राजा का खूनी हो, ठीक है। जल्दी से इसमें अपना आंसर बता दीजिए, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तब तक मैं आपको इनके भी मतलब बताता हूँ। होमिसाइड का मतलब होता है, देखिए, जो किसी आदमी, या हम कह सकते हैं मर्डर ऑफ अ मैन और अ वोमैन, किसी आदमी या औरत का खूनी हो। एकम्प्लिश, एकम्प्लाइस, इसमें हम कह सकते हैं जो कि मतलब हम कह सकते हैं मतलब किसी जुर्म में दूसरे का साथ देना, ठीक है। यानी कि एक तो जुर्म कर रहा है और जो उसका साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं एकम्प्लाइस, ठीक है। बच्चर, बच्चर आपको सबको पता होगा कि क्या होता है दोस्तों, कसाई, ठीक है। और डी ऑप्शन है रेजिसाइड, रेजिसाइड हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि यानी कि किसी राजा का खूनी हो, हत्यारा, उसे हम बोलते हैं हमेशा रेजिसाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बाउंटी। बाउंटी का आप देखिए यहाँ पर बाउंटी क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इनाम, प्राइज, ठीक है। तो ये हमारी जो है इसके बाउंटी के मतलब होते हैं। अब हमें सिनोनिम बताना है, बस यहाँ पर आपको बताऊंगा, डोनेशन, दान देना, गिफ्ट जो हो गया हमारा उपहार हो गया एक तरह से, ठीक है। और प्लेजर यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से इंजॉयमेंट, और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमारा क्या होता है, रिवॉर्ड भी हमारा दोस्तों इनाम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाउंटी जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। कहीं केस में मैं आपको बता दूं दोस्तों, बी ऑप्शन को भी लेके चलते हैं। अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे भी तो आपको बाउंटी के दो मतलब दिखाई दे, रिवॉर्ड और गिफ्ट। पर यहाँ पर मोस्ट सुटेबल की अगर बात करें तो रिवॉर्ड राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि वह इंटेलिजेंट थी डैश वह गरीब थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक ही चीज़ की दो खूबी बता रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर किसी एक व्यक्ति की मतलब सिमिलर टाइप की हमें वो बता रही होती मतलब खूबियाँ, मतलब एक ही उसमें वे में, तब एंड आता दोस्तों, ठीक है। हम कह सकते थे शी वॉज इंटेलिजेंट एंड शी वॉज इंटेलिजेंट एंड शी वॉज हार्ड वर्किंग, ठीक है। इंटेलिजेंट थी क्योंकि हार्ड वर्किंग थी वो, हम कह सकते हैं, और वो हार्ड वर्किंग थी। पर यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, शी वॉज इंटेलिजेंट बट, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शी वॉज इंटेलिजेंट बट शी वॉज पुअर, वह इंटेलिजेंट थी परंतु वह गरीब थी, ठीक है। ये एक दूसरे सेंस में चल गया, इंटेलिजेंट उसकी वो दूसरी खूबी होगी, ठीक है, और गरीबी उसकी अलग खूबी होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और फ्रेसिस बताना है, टू बीट द एयर। फटाफट आंसर दीजिए मुझे इसका मतलब। अगर टू बीट द एयर यानी कि जो हवा को मात देना, ठीक है। और इसका अगर दूसरा मतलब बताया जाए, जो मेन यूजलेस एफर्ट्स, क्योंकि हवा को मात देना कोई दे ही नहीं सकता हवा को मात, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम इसे, यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि बिना किसी बात का मतलब एफर्ट्स करना, मतलब बिना किसी उसका, ठीक है। जल्दी इसमें चार ऑप्शन बता दीजिए, मैं तब तक आपको इसके मतलब बता दूँ। और तो पहला ऑप्शन है टू एक्ट फुलिशली, यानी कि इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। टू मूव विग्रेसली का मतलब होता है सख्ती से चलना, ठीक है। और टू मूव स्लगीसली यानी कि सुस्त चाल से चलना, ठीक है। और आखिरी है टू मेक एफर्ट्स डेट आर यूजलेस और वेन, यानी कि मतलब ऐसे मतलब प्रयास करना जो कि बेकार और व्यर्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा इडियम्स का दोस्तों, कौन सा मुहावरा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बीट द एयर यानी कि हवा को मात देना। और वो क्या है, एक यूजलेस एफर्ट्स है जो कि हवा को मात नहीं दिया जा सकता। जैसे हम किसी को कह देंगे यूजलेस एफर्ट्स करेगा तो हम बोल सकते हैं टू बीट द एयर, ठीक है, यानी कि यूजलेस एफर्ट्स करना। अब देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई बताना है इन द इनकरेक्ट पार्ट, ठीक है। सत्यजीत रे हु कंसीव्ड कॉथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, ठीक है। तो फटाफट आंसर करिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सत्यजीत रे के बारे में बता रहा है, हु कंसीव्ड कॉथर्ड एंड डायरेक्टेड करिए उन्होंने नंबर ऑफ गुड फिल्म वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। तो उन्हें क्या कह रहा है कि
वो इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर थे, मतलब कहीं सारों में से एक वो थे, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ बता रखा है, ठीक है। तो मतलब कई सारे जनों में से एक वो भी थे, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राइट ऑप्शन आशा करता हूँ सबने अब तक दे दिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आना था फिल्म मेकर्स, फिल्म मेकर्स होगा तब प्लूरल मेकर, फिल्म मेकर्स यानी कि कहीं सारे फिल्म मेकर्स हैं, उनमें से जो है सत्यजीत रे है मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, ठीक है। यानी कि कहीं सारे मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से एक सत्यजीत रे भी उनमें से है, जिन्होंने नंबर ऑफ गुड फिल्म्स डायरेक्टेड करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आना है, यहाँ की मिस्टेक थी। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो फटाफट दोस्तों इसमें अपना आंसर बता दीजिए, क्या इसमें आपका आंसर आएगा? देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये अपने भाई को कह रहा है चलो कहीं किसी हिल स्टेशन चलते किसी चेंज के लिए। तो अपने भाई को बोल रहा है, अपने भाई को मतलब पहले उससे एक तरह से सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ए और बी ऑप्शन को देखिए, तो आज देखिए तो इंटरोगेटिव केस में आता है, ए और बी में तो हमारा कोई आंसर नहीं होगा, जैसे कि हमें सेंटेंस में नहीं दिख रहा है इसमें एक्टिव, ठीक है, इस वॉइस में। अब देखिए हमें इसमें क्या है, अब दूसरा है आई परमिटेड माई ब्रदर टू गो टू हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। परमिटेड यानी कि एक तरह से अपने भाई को आज्ञा दे रहा है वो, पर ये इसमें अपने भाई को बोल रहा है, और लेट लेट कह रहा है यानी कि एक तरह से चलने को उसे खुद कह रहा है कि चलते हैं कि, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। बात करते हैं डी की, अब क्यों आएगा ये, ठीक है। तो आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन, तो अपने मैं अपने भाई को बोला कि किसी चलो किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये तो सही है। और ये याद रखना, जब भी लेट अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में आएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा जो लेट का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा, शुड हमेशा आता आता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं एक तरीका, हमें भी ये भी मिल गया पहचानने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, आशा करता हूँ। कैसे आपको देखना है, अगर एक वर्ड का भी आपको किसी सेंटेंस का पता है कि इसका कन्वर्जन कहाँ पर क्या बैठेगा, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, आशा करता हूँ सबने सही आंसर दिया होगा। फिर है चेंज द वॉइस, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ठीक है। जो हम कह सकते हैं जो इसकी आवाज़ है ट्रैफिक की, वो मुझे जगा के रखती है, ठीक है। देखिए यहाँ देख सकते हैं कैप्ट जो है, हम अभी पहले से ही इसमें जो है पास्ट, उसमें है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। और हमें पता है एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते लगते पास्ट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। पर यहाँ कैप्ट पहली है, तो हमारा हम इसे कैप पास्ट में ही रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, आशा करता हूँ सबने अब तक आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा आई वॉज कैप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। कैप्ट का बनेगा यहाँ पर वॉज कैप्ट, ठीक है। बाकी आई मी का बनेगा आई, आई वॉज कैप्ट अवेक बाय, यहाँ लग जाएगा बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। वॉइस में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबको पता है एक्टिव से पैसिव जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा होता है एक्टिव वॉइस। जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर करा, ठीक है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन में क्या क्या चेंज होता है, तब आप इसे सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड। रमेश वेल विशर्स वेंट टू एक्सट्रीम टू डैश हिज बिजनेस रेपुटेशन। तो ये कह रहा है रमेश के जो वेल विशर्स है यानी कि जो उसका अच्छा सोचने वाले हैं, वो बहुत एक्सट्रीम तक जा सकते हैं टू डैश हिज बिजनेस रेपुटेशन, यानी कि बिजनेस रेपुटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, स्पीक उसे बढ़ा सकते हैं जो उसके वेल विशर्स है अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है, या डिस्टर्ब कर सकते हैं उसके वेल विशर्स उसकी बिजनेस की रेपुटेशन को, या स्पॉइल बर्बाद करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके वेल विशर्स है, सूटेबल वर्ड हमें बताना है दोस्तों, अपनी सूझबूझ के साथ बताना है आप लोगों को, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऐसा वर्ड भी, सिर्फ इसमें आपका आपको सेंस लगाना है अपना। तो रमेश के जो है वेल विशर्स है यानी कि उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तो उसके बिजनेस की रेपुटेशन को कैसे कर सकते हैं, वो एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जो उसके वेल विशर्स है जो उसके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उसकी टू एक्सट्रीम टू एनहेंस हिज बिजनेस रेपुटेशन यानी कि उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छा, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर था इसका 15th का, आशा करता हूँ सबने सही दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अब ये फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड क्रिटिक, क्रिटिक से एडजेक्टिव बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपका एयरफोर्स में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, या तो एडजेक्टिव पूछेगा, वर्ब पूछेगा, एडवर्ब पूछेगा, पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा आएगा दोस्तों। देखो क्रिटिक का जो यहाँ वर्ड होगा, बी ऑप्शन क्रिटिकल,
ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है क्रिटिक का, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि आप किसी सेंटेंस बना के भी आप देख सकते हैं कि किस जगह फिट बैठ रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाई करता है नाउन को, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है, तो मॉडिफाई कर रहा है किसी पर्सन के, अगर हम बारे में बताएं कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है वो नाउन के बारे में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं वो हमारा सोचने का तरीका है, बस हम किस तरह से आंसर निकालें, ठीक है। अब एक गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, माई सेल्फ का प्लूरल बताना है दोस्तों। यहाँ पर माई सेल्फ से अगर हम लेके चले, देखिए चार ऑप्शन है, फटाफट आप मुझे तब तक आंसर दीजिए, अवर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ या माई सेल्फ, ठीक है। तो देखिए माई सेल्फ क्या है, यानी कि मैं खुद, और अगर प्लूरल हो गया तो हम आ जाएंगे, हम सब, ठीक है, तो हम सब से यानी कि सब आ गए, तो प्लूरल कौन सा केस आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अवर सेल्फ, ठीक है, अवर सेल्फ डिनोट करता है कई सारे, ठीक है, सेल्फ खुद यानी कि, और सेल्फ हो गया हम कई सारे, यानी कि हम है पर और साथ, तो प्लूरल केस आ गया ये भी जो डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर आशा करता हूँ सबने सही आंसर दिया होगा। 17 में से अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कितना आपका स्कोर आया। अगर आपके 17 में से 14 भी नंबर आ रहे हैं तो मैं सहमत हूँ आप लोगों से कि आप अच्छा कर जाएगी एग्जाम में, ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कितने आ रहे हैं, 12, 11 जितने भी आ रहे हैं, पर नेक्स्ट टाइम जरूर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए ये पैसेज है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको खुद इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सिर्फ आपको मैं इतनी हिंट देता हूँ। देखिए 11 हमने कर लिया, अब तक 11 प्रैक्टिस सेट, 11 प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको सब में पैसेज बता दिए, अब मैं पैसेज कोशिश करूँगा, अब आप अपने आप ही पैसेज करें, मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को, जो जो आंसर करेगा, पहले देखते हैं कितने लोग एफर्ट करते हैं सॉल्व करने का पैसेज, ठीक है, अपने उससे एफर्ट करोगे दोस्तों तभी कामयाब हो पाओगे। तो ये किसी एक मैं बता दूं पैसेज जो है लक के ऊपर है, जो कि अमेरिकन राइटर ने लिखा है, ये आपके पास पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ बाय साथ, या वीडियो को पॉज करके आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पैसेज यहाँ पर एंड हो गया। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज इंडिकेट दैट द राइटर डज नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट ऑफ लक। चार ऑप्शन है पैसेज में आपको ढूंढने पड़ेंगे, फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, चार ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे आपको। आखिरी में क्वेश्चन आएगा दोस्तों 20th क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको ये दिख रहा है, तो मुझे तीन आंसर तो आप दे ही सकते हैं, इतना मैं आशा कर सकता हूँ दोस्तों आप लोगों से, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग एफर्ट करके मुझे आंसर देते हैं, कितने सीरियसली है वीडियो को लेके, कितने एग्ज़ाम के लिए सीरियसली है। यही मौका है दोस्तों क्वारंटाइन में पढ़ने का, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स है, घर पे है, कोई काम नहीं है किसी प्रकार का, घर में ही रहना है, ठीक है, तो अपना टाइम यूटिलाइज़ करिए और इसे वीडियो को अच्छे से देखिए, कई बार देखिए, सॉल्व करिए इस पैसेज को भी अच्छे से सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए, वहीं मैं देखता हूँ कितने लोग एफर्ट डालते हैं और कितने सही आंसर देते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ सब लोगों को समझ आया होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आंसर कमेंट कर देना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।